नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बेटर फूड के रिजल्ट्स का जो अभी अनाउंस हुए हैं। तो दोस्तों, उस पर हम अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे और चार्ट के माध्यम से भी हम इसके स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट की सारी इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो ये रिजल्ट्स देखिए, अभी आपके आए हैं करीब 4:37 पे। तो ये मैंने डायरेक्ट BSE की वेबसाइट से निकाला है। तो आइए अब हम और आप इसे साथ में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने डिविडेंड दिया है 2.40 रुपये का। तो अभी इसकी मार्केट प्राइस करीब 440 रुपये के आसपास है। तो आपको ये डिविडेंड, आपको कुछ खास 0.5% के आसपास का आपका डिविडेंड है, तो कोई बहुत अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है। बट इससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में है, तो इसलिए डिविडेंड दे रही है। आइए अब हम लोग इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो इनके रिजल्ट्स जो भी है दोस्तों, वो सारे मिलियंस में है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो अगर मैं टोटल इनकी इनकम की बात करूँ, तो वो करीब करीब इनकी 2100 मिलियन की है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में के चक्कर में थोड़ी सी गिरावट देखने को हमें मिली है, बहुत ही थोड़ी सी, मात्र 19 मिलियन की। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में लेकिन इनकी ग्रोथ देखी है, 7100 मिलियन से 8476 मिलियन, बहुत ही भयंकर ग्रोथ हुई है। और उसका मेजर रीज़न ये है कि इनका जो क्रेमिका बिस्किट है और जो क्रेमिका ब्रांड है, वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप, इनके जो एक्सपेंसेस है, इसी वजह से मार्केटिंग और उस वजह से एक्सपेंसेस भी इनके थोड़े बड़े, बट आप इनके प्रॉफिट्स में देखिए क्या गजब की ग्रोथ है। पिछले साल में 282 मिलियंस की थी, अब क्या 678 मिलियंस, मजा ही आ गया देख के। उस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में लेकिन हमें ज़रूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पिछली बार 187 मिलियंस के आसपास की इनकी प्रॉफिट थी और अब क्या केवल 113 मिलियन। पिछले साल के इस क्वार्टर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर तो दोस्तों इनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे हैं, बट आप अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो उतने अच्छे नहीं मिले हैं। तो इसको एनालिस्ट कैसे लेंगे हमें, मैं अभी कह नहीं सकता हूं, बट ओवरऑल रिजल्ट्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तब तो इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी आपके FMCG सेक्टर की एक अच्छी कंपनियों में गिने जाने लगे। बट अभी के हिसाब से आप इसको शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो काफ़ी कॉशन के संग ट्रेड करिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स जो हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग भी मिल जाए और हो सकता है कि थोड़ा सा गैप डाउन भी ये हो सकता है, क्योंकि मिक्स्ड है रिजल्ट्स जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो इस टाइप में बेटर है, जब भी ऐसे रिजल्ट्स हो, जब हमें एग्जैक्टली हम नहीं कह पाते कि क्या करना चाहिए, तो आप मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्टॉक अभी अपने काफ़ी, आप कह सकते हैं 435 रुपये के ऊपर इसका ब्रेकआउट था। मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे करीब करीब जो इसका, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक काफ़ी एक कोशिश कर रहा है यहाँ। तो आप इस स्टॉक ने आज भी कोशिश की थी, गया भी था, बट वो थोड़ा सा ब्रेकआउट फॉल्स लगा। तो इस स्टॉक को दोस्तों आज का जो हाई है 443, तो मेरा मानना है आप 440 रुपये के ऊपर आप इसमें पोजीशन बनाइएगा। पहला टारगेट हमारा 460 और फिर दूसरा टारगेट 500 और फिर 600 तक के टारगेट्स के लिए हम एम कर सकते हैं अगले 6 महीने के लिए। और स्टॉप लॉस दोस्तों आपको जो इसमें रखना पड़ेगा, मेरा मानना है जो यहाँ पे इसकी ये वाली स्विंग थी उसका लोअर एरिया, तो 410 का लेकिन आप लोग को स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। काफ़ी वोलेटाइल शेयर है, इस वजह से आप लोग को स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। एक बार मैं वॉल्यूम एनालिसिस कर लेता हूँ दोस्तों। वॉल्यूम ऐसा देखिए दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में बहुत थी, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं चल रही है, बट अगर आप देखेंगे तो हाँ, कोई बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठाक वॉल्यूम चल रही है। और वॉल्यूम लेकिन यहाँ पे बिल्डअप हो रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अब 440 करिएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा 410 का, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 460, 500, और इसको क्रॉस किया तो आप 600 तक के टारगेट्स के लिए भी इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि IPO जब लिस्ट हुआ था तो उसी प्राइस के अराउंड लिस्ट हुआ था। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इस स्टॉक को लेकर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।